मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के गृह जिले के देपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल इन दिनों बेहाल है। बता दें कि इंदौर जिले के देपालपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा हुआ है, जहां बारिश के मौसम में मरीजों के साथ परिजनों का सबसे पहले सामना गंदगी तथा जल भराव से होता है, तो वहीं दूसरी ओर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पत्राचार का हवाला देते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में जल भराव और गंदगी के कारण स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि स्वास्थ्य केंद्र में जाँच के बाद बाहर की मेडिकल से दवाई लेने के लिए पर्चा लिख दिया जाता है। अभी इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, कितना कीचड़ है, कैसे आ रहे हैं हम यहाँ पे, देखो तो सही, पानी पानी भरा है, गिर जाए हम हैं, बच्चों गिर जाए, आने वाले इनकी परेशानी यहाँ पे है। हम यहाँ पे बच्चों को ले NRC में भर्ती कराने आए थे, तो वो बोल रही है कीचड़ कितना है, तो मैंने कहा अब क्या करें, इनका अस्पताल उनका देखो क्या हाल है, हैं तो ये क्या सुधारेंगे, ये अस्पताल की ऐसी हालत है, गड्ढे भरे हैं यहाँ पे, गिर जाए, यहाँ पे रोड बनवाओ यहाँ पे, अच्छा बढ़िया है, ऊंचाई हो अच्छे, यहाँ पे डिलीवरी होती है, यहाँ पे बच्चे ने तो कुछ भी नहीं करा, उनने तो कहीं भी नहीं करा है, या समझो कोई तो कुर्सी पे बैठ गए है, नहीं करेंगे तो वो तो 5 साल बाद फिर हरा देंगे हम तो कमलनाथ को, उनकी लापरवाही है कमलनाथ की। जाँच करवाने जाते हैं जो भी मरीज लोग हैं, वहाँ रोड से लगा के कीचड़ इतना है कि परेशानी है। एक तो ये है कि पानी भरा है, मच्छर भी बहुत होते हैं और बहुत सारे कीचड़ है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है चौक उसके, सरकार को, सरकार जो अधिकारी है उनको बोलना चाहिए यहाँ ठीक है, व्यवस्था सुधारी जाए, नगर पंचायत रखना चाहिए कि कहाँ कमी है क्या है, वो देखना चाहिए उनको, नगर के जो भी पार्षद हो अध्यक्ष हो इन लोग को देखना चाहिए कि अपने जहाँ सरकारी क्वार्टर जो है अस्पताल है वहाँ पूरी व्यवस्था भंग है।